हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रशांत कुमार एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैक्ड वॉल के बारे में और ये हमारा 11th लेक्चर है रेविट 2024 बिगनर सीरीज का। और स्टैक्ड वॉल क्या होती हैं, किस तरह से हम स्टैक्ड वॉल बना सकते हैं और कितनी तरह की स्टैक्ड वॉल हम बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं स्टैक्ड वॉल होता क्या है। देखिए, रेविट आर्किटेक्चर इंक्लूड्स अ स्टैक्ड वॉल सिस्टम फैमिली फॉर मॉडलिंग वॉल्स दैट कंप्राइजेस टू और मोर देन सब वॉल्स स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। मतलब इसके अंदर मल्टीपल वॉल्स को हम एक हाइट के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। द सब वॉल्स कैन हैव डिफरेंट वॉल थिकनेस। इसमें जो सब वॉल्स हैं उनकी थिकनेस डिफरेंट हो सकती है। ऑल सब वॉल्स in a stacked wall are attached and their geometry is joint. और जब आप स्टैक्ड वॉल को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उनकी जो ज्योमेट्रीज हैं वो आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं। तो बेसिकली दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ स्टैक्ड वॉल। अब इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं और कितने तरह से हम स्टैक्ड वॉल को यूज कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन कहाँ मिलेगा, आपको जाना है वॉल के अंदर और यहाँ से आप देख सकते हैं, आप इसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टैक्ड वॉल। अब देखिए, यहाँ पे जो स्टैक्ड वॉल है, यहाँ पे स्टैक्ड वॉल हमने किया हुआ है ब्रिक ओवर CMU और मेटल स्टड। तो जैसे ही हमने इसे क्लिक किया और यहाँ पे एक सैम्पल वॉल हम क्रिएट कर लेते हैं, तो शिफ्ट के साथ स्ट्रेट वॉल बना सकते हैं। तो ये हमने शिफ्ट के साथ एक स्ट्रेट वॉल बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉल यहाँ पे आ गया है। अब मैं आपको दोनों वॉल्स को ब्रेक करके भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुए हैं। पहले इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप पे जाएंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है एडिट। यहाँ पे आप देखेंगे दो ऑप्शन हैं, जनरली अभी यहाँ पे एक ही ऑप्शन अपीयर हो रहा है। तो स्ट्रक्चर में जाके आपको एडिट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे दो वॉल्स हैं, दोनों वॉल को डिफरेंट हाइट के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है दोनों की ज्योमेट्रीज को। तो एक वॉल है हमारे पास ब्रिक ऑन मेटल स्टड और दूसरी वॉल है CMU। अब यहाँ पे CMU की जो फुल फॉर्म होती है विच इज कॉन्क्रीट मैसनरी यूनिट, सो कॉन्क्रीट मैसनरी यूनिट ऑन मेटल स्टड। तो दो यहाँ पे हैं, पहली जो बॉटम वाली यहाँ पे वॉल है ये कॉन्क्रीट मैसनरी यूनिट मेटल स्टड वॉल है और यहाँ पे ब्रिक ऑन मेटल स्टड वॉल है। अब इसकी जो हाइट है यहाँ पे आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, लाइक हमने इसे कर दिया 5 feet, तो आप देखेंगे ये 5 feet तक चला जाएगा। और जो वेरिएबल है ये टोटल कितना है ये उस पर डिपेंड करता है, लाइक टोटल हमारे पास है 12 feet, तो आप देखेंगे 12 feet हो गया। तो यहाँ पे हम इसे वापस से कर लेते हैं 3 feet, तो 3 feet एंड 12 feet, यहाँ पे टोटल हमारे पास है यहाँ पे 12 feet, 3 and 9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं उसमें है ऑफसेट, बेस, फ्लिप, हाइट, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप इसे कौन सी वॉल को फ्लिप करना चाहते हैं, जो बेस वॉल है, मतलब हमारे पास CMU जो वॉल है उसे हम फ्लिप करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इसे फ्लिप भी कर सकते हैं। अब जितना एरिया हमारा आउटसाइड है यहाँ पे, उतना एरिया हमें इनसाइड करना है, तो आप यहाँ से इसे ऑफसेट कर सकते हैं। लाइक ऑफसेट हमने कर दिया इसे 3 inches, तो ये देखेंगे ये ऑफसेट हो रहा है। और यहाँ से अगर हम -2 inches कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से नेगेटिव हमने कर दिया यहाँ से 3 inches, ये देखिए, और 4 करेंगे तो जितना ये आउटसाइड था उतना उतना ही पूरा पूरा इनसाइड हो जाएगा इस तरह से। तो ये चीज़ आप चेंज कर सकते हैं थ्रू ऑफसेट। अभी इसे हम 0 रखेंगे तो ये देखिए इस तरह से आउटसाइड हो गया। अब ये चीज़ बनाते कैसे हैं, फ्लिप करना हो गया, यहाँ से आप चेंज करना चाहें वॉल को तो यहाँ से हम वॉल को चेंज भी कर सकते हैं। ब्रिक एंड CMU चाहिए, मेटल स्टड हटाना है तो ब्रिक एंड CMU आ गया, मेटल स्टड रखना है तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। इसको हम करते हैं ओके एंड ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी वॉल है ये इस तरह से आ रही है। अब यहाँ पे हमें ये समझना है जो मटेरियल है ये कौन कौन सा मटेरियल यहाँ पे हमने यूज़ किया है। तो इसके लिए यहाँ पे जो टाइप हमने चेक किए थे यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, लाइक यहाँ से भी आप अगर इसे वेरीफाई करेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास है एक्सटीरियर ओन मेटल स्टड, तो ये वॉल हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से वॉल पे गए, यहाँ पे मिलेगा एक्सटीरियर ऑन मेटल स्टड, इस पर क्लिक किया, एडिट करेंगे और यहाँ से एडिट करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं आपको सभी मटेरियल यहाँ पे जिप्सम वॉल बोर्ड, वेपोर और यहाँ पे मेटल स्टड लेयर, यहाँ पे प्लाईवुड, एयर, यहाँ पे है एयर इन्फिल्ट्रेशन बैरियर, एयर ब्रिक कॉमन, तो यहाँ पे अलग 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 लेयर हमने काफ़ी सारी लेयर्स यहाँ पे बनाई हुई हैं। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वॉल है हमारे पास ये है CMU ऑन मेटल स्टड, तो यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स इसके अंदर हैं, किस तरह से ये कनेक्ट होती हैं चीज़ें, तो सारे मटेरियल डिटेल यहाँ पे दी हुई हैं।
जो सेकंड वॉल है हमारे पास ब्रिक ऑन मेटल स्टड, तो यहाँ पे है ब्रिक ऑन मेटल स्टड। तो ये सभी डिटेल आपको मिलेंगे ब्रिक ऑन मेटल स्टड के बारे में, लाइक स्लॉप प्लेट है, फ्लोर है, यहाँ पे इंसुलेशन है, यहाँ पे शीटिंग जिप्सम, और यहाँ पे एयर स्पेस, और हर एक चीज़ के बारे में यहाँ जो कंप्लीट डिटेल है। तो इस तरह से हम यहाँ पे दोनों जो हमारे पास वॉल्स हैं उनको हम ये डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं, एडिट करके भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। अब आते हैं कि रेविट के अंदर डिटेल तो क्लियर हो गया कि किस तरह से इनके अंदर डिटेल्स होती हैं। अगर हमें खुद से स्टैक्ड वॉल के थ्रू, अब ये जो वॉल है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बना हुआ था, जैसे ही हम वॉल पे गए तो यहाँ पे हमने ड्रैग किया तो यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। अगर यहाँ पे हमें खुद से कोई वॉल बनानी है तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट हाइट में रखनी है तो कैसे कर सकते हैं, देखिए इसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हमने इसे सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए और यहाँ से आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट में हम यहाँ पे ओवर टू कर लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे आ गया ब्लॉक ओवर टू, एडिट करते हैं और यहाँ से कोई भी चेंजेस जो हमें करने हैं वो चेंजेस हम कर सकते हैं। लाइक यहाँ से हमें करना है इंसुलेशन लेना है तो इंसुलेशन ले सकते हैं, सीएमयू मेटल स्टड लेना है तो सेम ही हो गया दोनों, तो अभी तो हम सेम ही रखते हैं, यहाँ पे सेम हमने रखा। अब डिफरेंट लेयर कैसे बनानी है वो भी मैं आगे आऊँगा, वो भी इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कैसे हम डिफरेंट बना सकते हैं। अभी हम इस लेयर की जो हाइट है वो हम सिर्फ चेंज कर लेते हैं। लाइक हमने इसे कर लिया 2.5 फिट, तो ये 2.5 फिट हो गया और इसकी थिकनेस इतना ही है, ठीक है, ओके कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं। तो आपको दोनों वॉल मिलेंगी, देखिए अब स्टैक्ड वॉल पे आइए ड्रैग करके तो आपको 2 भी मिल रहा है और यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट था वो भी मिल रहा है। तो इस तरह से आप स्टैक्ड वॉल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 क्रिएट किया, ये देखिए, तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसकी जो हाइट है वो 3 फिट है और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास 2 फिट है। अब यहाँ पे जो दूसरा तरीका है जिसके अंदर मैंने आपको कहा विच इज़ लुक लाइक दिस, अगर इसमें हमें कुछ इस तरह की स्टैक्ड वॉल बनानी है जिसमें मल्टीपल लेयर्स कंक्रीट के हम खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, एंड दैट विल बी लुक लाइक दैट। सो इस तरह की फाउंडेशन हम कैसे स्टैक्ड वॉल की हेल्प से क्रिएट करेंगे, देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम जाएंगे डिफ़ॉल्ट वॉल के ऊपर, यहाँ से हमने डिफ़ॉल्ट वॉल किया, यहाँ से हम ले लेते हैं फाउंडेशन, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा दिस वन फाउंडेशन 12 कंक्रीट, तो ये हमने लिया, एडिट करेंगे। अब यहाँ पे जितनी भी वॉल्स हमें चाहिए वो वॉल्स हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे डुप्लीकेट और यहाँ से हमने कर दिया, इसका नाम दे देते हैं हम फाउंडेशन 1, ओके करते हैं, एडिट करते हैं और इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस हम रख लेते हैं यहाँ पे 2 फिट, ये हम आइडिया से ले रहे हैं, यहाँ से 2 फिट रख लेते हैं एंड देन इसे हम कर देते हैं ओके। मटेरियल हमारा कॉन्क्रीट ही रख रहे हैं, हमने ओके किया, फिर से डुप्लीकेट कर रहे हैं फाउंडेशन लेयर 2, देन ओके किया, मटेरियल हम सेम रखेंगे, इस बार इसकी जो थिकनेस है वो हम रख लेते हैं 1.5 एंड देन हमने यहाँ से अगेन ओके किया एंड देन अगेन ओके किया, तो 2 हमारे पास लेयर्स बन चुकी हैं। जो थर्ड लेयर है वो हम ब्रिक लेयर बनाते हैं, तो ब्रिक लेयर आप कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ से आपके पास ब्रिक ऑप्शन है, इसी में एडिट कर दीजिए और इसको हम कर देते हैं यहाँ से 8 इंचेस, ये हमने 8 इंचेस कर दिया एंड देन ओके, इसी को हम यूज़ कर लेंगे। तो 3 लेयर हमने अलग अलग बना दी हैं। अब इनको सेंटर के थ्रू कैसे प्लेस करना है और अगर हम एक्सटीरियर में रखना चाहते हैं तो कैसे प्लेस करना है, मैं दोनों ही ऑप्शन आपको बता देता हूं। देखिए तो सबसे पहले यहां से हम वॉल में जाएंगे, वॉल में जाने के बाद यहां से हम जाएंगे स्टैक्ड वॉल में, कोई भी टाइप ले लीजिए, एडिट करेंगे और यहां से डुप्लीकेट करेंगे, तो न्यू फाउंडेशन ये हम नाम रख देते हैं ओके एंड देन यहाँ से एडिट करते हैं। तो एडिट के अंदर जो वेरिएबल है वो हम रखेंगे ब्रिक, तो यहां से हम देखेंगे सबसे ऊपर हमें ब्रिक रखना है, दिस वन जेनेरिक ब्रिक, ये हमारा आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमें रखना है फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, लेयर 2 और फिर हम करेंगे इंसर्ट, ये हमें चाहिए डाउन में और ये है हमारा 1। तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस बन गया 1, 2 एंड देन ब्रिक। तो अब यहाँ से हम हाइट लेंगे, जैसे सबसे जो ज़्यादा हमारे पास थिकनेस है इसकी जो हाइट है हमारे पास वो है, हम यहाँ से रख लेते हैं 1.25 फिट,
इसे भी रख लेते हैं 1.25 फिट, और जो टोटल हाइट है हमारे पास वो है 11 फिट। तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे ये सेंटर टू सेंटर है, आप ओके करेंगे, इस तरह से हम नहीं करते हैं काम। अगर बहुत रेयर केसेस में होता है, मैं कॉर्नर के थ्रू कैसे करेंगे एक्सटीरियर के थ्रू वो भी अभी बताने वाला हूँ, पहले सेंटर टू सेंटर देख लेते हैं। तो अभी कोई भी वॉल जब आप प्लेस करेंगे इस तरह से, सो इट विल लुक लाइक दिस। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं इजीली आप इस तरह से बना सकते हैं। ये आपका फाउंडेशन भी बन रहा है और ब्रिक वॉल भी बन रहा है। इसमें अगर आप प्रॉपर तरीके से डोर विंडो प्लेस करना चाहें तो बहुत ही ईजिली प्लेस भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमें प्लेस करना है इस एज के ऊपर। तो यहाँ से पहले आप प्लेस करेंगे इसे, प्लेस करने के बाद डोर को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से हाइट हम दे देंगे, टोटल हमारी हाइट है 2.5 फिट। तो जैसे आप एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली डोर जो है वो एक अपनी सर्टेन हाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। तो यहाँ से आप हाइट देख लीजिए, इसकी हाइट हमें डोर की करेक्ट रखनी है। हाइट हमारे पास है 7 फिट, तो इसे हम कर देते हैं 6.5 एंड देन ओके। ये देखो, ये हमारा डोर प्लेस हो गया। इसी तरह से हम विंडो प्लेस कर सकते हैं। तो विंडो में जाएंगे, ये देखो विंडो की सेल हाइट अभी आ रही है यहाँ पे, तो 2.5 फिट ये, 6 इंच ये है, तो हम इसमें 2.5 फिट और ऐड कर देंगे। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 5 फिट कर लेते हैं हम यहाँ से एंड देन ओके। तो ये देखो, तो इस तरह से आप डोर विंडो भी ओपन कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास, इस तरह से आप डोर विंडो भी ओपन मतलब ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर असाइन करा सकते हैं। अब अगर हम अगर मल्टीपल वॉल्स बनाते हैं और अगर हमें इसे एक्सटीरियर में रखना है, जो एक्स्ट्रा जो साइज है हमें वो आउटसाइड रखना है, तो वो कैसे करेंगे? तो देखिए, इसी को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अगेन इसी के अंदर एडिट करेंगे और इसका डुप्लीकेट कर लेंगे और इसका भी पार्ट टू बना लेंगे न्यू फाउंडेशन का। एडिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल वॉल है हमारे पास, ये है 9 इंच और ये है हमारे पास 2 फिट और ये है 1.5 फिट। तो पहले इसे हम कर देते हैं 3 माइनस में 3 इंचेस, 3 इंचेस, और ये हो जाएगा हमारे पास अब ये कितना था 1.5 फिट और ये था हमारा 9, ये भी ज़्यादा है 8 इंचेस, ये परफेक्ट है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये वॉल डिज़ाइन करी यहाँ पे। ओके करते हैं, ओके करते हैं। ये देखो, अगर ये एग्जिस्टिंग में हमने ऐड किया है, जैसे जो मेन हमारी वॉल थी उसी को अगर हमने डुप्लीकेट नहीं किया है तो उसी में ऐड हो जाएगा। तो आप इस तरह से वॉल क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल वॉल बना सकते हैं। इसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट सिमिलर, और यहाँ पे लेवल ले लीजिए। यहाँ से देखिए आप बना सकते हैं, अभी भी एक फिट ज़्यादा है, आई थिंक 11 फिट है, 0 अनकनेक्टेड 11 फिट, ओके सेलेक्ट दिस वन। ये देखिए 1, 2, 3, तो अब ये जो है ये अपोजिट इस साइड से देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये देखिए इस तरह से, और अगर इसे फ्लिप करना चाहें तो आप फ्लिप भी कर सकते हैं। इन केस अगर ये गलत बन जाता है तो सेलेक्ट करें, यहाँ से फ्लिप करें, सेलेक्ट करें, फ्लिप करें, सेलेक्ट करें एंड फ्लिप करें। अब आप इसको देखेंगे 3D में, ये देखिए तो बिल्कुल परफेक्ट वॉल बन चुका है इस तरह से। सो गाइज, इस तरह से आप स्टैक्ड वॉल के अंदर काम कर सकते हैं। अगर स्टैक्ड वॉल में अभी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज फ्यूचर में जो भी हम यहाँ पर वीडियोज़ अपडेट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फाइनली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।